जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, शी वॉज 4 months प्रेग्नेंट, हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ा था. उस अल्ट्रासाउंड में फिर हमें पता लगा था कि जो मेरा बेटा है वो उसका राइट हैंड जो है वो मिसिंग है. काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था वो, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से हमें ये एहसास हुआ कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी होगी और उसको लेके हम आगे चलेंगे. उसके लिए फिर करते करते प्रोस्थेटिक हैंड्स का पता लगा. जब वो एज में बढ़ता गया तो मुझे भी लगा कि शायद टाइम है कि मैं अपनी रिसर्च को और आगे बढ़वाऊँ और देखूँ इस चीज़ को. करते करते इवेंचुअली हमें हमें शायद 2 साल का था या 2.5 साल का था तो मुझे पता लगा कि कोई 3D प्रिंटर से उस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है. लेकिन वो डिस्टेंट ड्रीम था मेरा, बाहर मुल्कों में था, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी. मुझे पता लगा कि 3D प्रिंटर पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं. तो हमने एक्सप्लोर किया, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, इनफैक्ट ऑप्शंस डिस्कस हुए कि क्या करना है, क्या देखना चाह रहे हैं. उसमें से वो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, मेरा जो आइडिया था, मेरे मुझे कुछ चीज़ मिली थी, एक मॉडल मिला था. उन्होंने काफ़ी 3D प्रिंटिंग पे काम किया था. जिनसे हम बात कर रहे थे उनके बायोनिक्स कंपनी है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास काफ़ी मॉडल्स हैं. उन्होंने काफ़ी लोगों पे यहाँ पे इंटीरियर सिंध में काफ़ी प्रोस्थेटिक हैंड्स पे काम किया था. तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने जब उसको यूज़ किया, बड़ी खुशी उसको हुई है. उसको बड़ा पसंद आया कि वो हाथ जिस तरह उसकी मूवमेंट है, जो पॉसिबिलिटीज़ उसके लिए बढ़ गई थी कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है. पार्ट ऑफ योर बॉडी इफ़ यू फील इज मिसिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज़ दैट पार्ट, 3D प्रिंटिंग ऑप्शन इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी. हर कोई इस चीज़ को ट्राई करे और देखे, शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो जाए.